वे वो रास्ता भूल जाती है। तभी उसे रास्ते में तीन लड़के मिलते हैं जो कि गैस स्टेशन पर होते हैं। ये तीनों जेनिफर से बातें करते हैं और उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। वो लोग जेनिफर को घर का रास्ता बताते हैं। जेनिफर के पूछने के बाद उन लड़कों को ये समझ में आ जाता है कि जेनिफर कहाँ रहती है। इसके बाद जेनिफर उस घर में पहुँच जाती है जहाँ की वो जाना चाहती थी। वहाँ पहुँचकर उसे काफ़ी सुकून मिलता है क्योंकि ये जगह भीड़ भाड़ वाले इलाके से काफ़ी दूर थी, इसलिए यहाँ बहुत शांति थी। वो अपने सारे सामान को रखती है और वो अपने काम यानी नॉवल लिखने में लग जाती है। वो यहाँ रहते हुए काफ़ी अच्छा फील करती है। रात में जब वो अपने दोस्त से बात कर रही होती है तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। वो आवाज़ें उसके घर से बाहर एक स्टोर रूम से आ रही थी। जब वो वहाँ चेक करने के लिए जाती है तब वो देखती है वहाँ कोई नहीं है। वह ऐसा सोचती है जैसे ये आवाज़ें हवा के कारण आई होगी। इसके बाद वो फिर से वापस आती है और अपना ड्रिंक पीने लगती है, लेकिन तभी उसका ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर जाता है। इसके बाद वो वॉशरूम जाती है और अपने कपड़े को साफ करने लगती है, लेकिन वहाँ चुपके से कोई उसके रिकॉर्डिंग कर रहा था। जब सुबह होती है तब वो जॉगिंग करने के लिए जाती है। वहाँ उसे पुराना सा एक घर दिखाई देता है। वो इस घर को देखकर बहुत हैरान होती है। जब वो इस घर से बाहर आती है तब वो फिर से जॉगिंग करने लगती है। घर आकर जब वो नल चालू करती है तब वो देखती है वहाँ से गंदा पानी आ रहा है। इसके बाद वो प्लम्बर को कॉल करती है। प्लम्बर यहाँ आता है और उस नल को ठीक कर देता है। जेनिफर बहुत खुश होती है और वो उस प्लम्बर को थैंक यू कहती है। इसके बाद हम तीन लड़कों को देखते हैं। इनमें से एक का नाम स्टैनली था और ये आदमी वही था जो कि उस दिन बाथरूम में जेनिफर की रिकॉर्डिंग कर रहा था। इस रिकॉर्डिंग को वो अपने साथियों को दिखाता है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी वो प्लम्बर वहाँ पहुँच जाता है। ये वही है जो कि जेनिफर के घर में गया था और उसके नल को ठीक किया था। वो इन तीनों से कहता है जेनिफर बहुत अच्छी है और उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। ये तीनों उससे पूछते हैं क्या जेनिफर अकेले रहती है। ये लोग सोचते हैं अगर वो अकेले रहती होगी तब हम लोग भी वहाँ जाएंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे और वहाँ जाकर मस्ती करेंगे। इसके बाद ये लोग आपस में काफ़ी कुछ प्लान करते हैं। इसके बाद ये लोग जेनिफर के घर के आगे एक मरी हुई पक्षी को फेंक देते हैं। जेनिफर जब बाहर आती है तब उसे ऐसा लगता है जैसे स्टोर रूम से फिर से आवाज़ें आ रही हैं। इसके बाद वो स्टोर रूम की तरफ जाती है, लेकिन इधर वो चारों लड़के जेनिफर के घर में घुस जाते हैं। इसके बाद जेनिफर अपने घर के अंदर आती है। जेनिफर को यह बात नहीं पता थी कि वो लड़के पहले से ही अंदर आ चुके हैं। वो लोग जेनिफर से पूछते हैं तुम यहाँ अकेले क्यों हो और यहाँ किस लिए आई हो। जेनिफर इन लोगों को बताती है मुझे नॉवल लिखने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। उन्हीं में से एक लड़के का नाम जॉनी था। वो जेनिफर के पास आता है और वो जेनिफर को टॉर्चर करता है और वो बेसबॉल का बैट उसके चेहरे पर सटाकर उससे बोलता है तुम अपने दांत दिखाओ। जॉनी जेनिफर के साथ बहुत अजीब हरकतें करता है और वो उसके दांत तोड़ने की कोशिश करता है। ये सारे लड़के जेनिफर पर हंसते हैं और ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जेनिफर किसी तरह इन लोगों से भागकर जंगल में चली जाती है। तभी उसे एक पुलिस वाला दिखाई देता है। शरीफ के साथ एक बूढ़ा आदमी भी होता है। शरीफ उस बूढ़े आदमी से कहता है तुम अपने घर चले जाओ, मैं जेनिफर के साथ जाकर देखता हूँ इसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद शरीफ जेनिफर को लेकर वहाँ जाने लगता है। इसके बाद शरीफ जेनिफर के घर में पहुँचता है जहाँ की वो चारों लड़के आए थे। वो घर पहुँचते ही दरवाजा बंद कर देता है और वो जेनिफर के साथ काफ़ी अजीब हरकतें करने लगता है। इसके बाद वो किसी को कॉल करता है। इसके बाद वो सारे लड़के तुरंत यहाँ पहुँच जाते हैं। इसका मतलब ये है शरीफ भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। ये लोग चार थे। ये लोग जेनिफर के साथ काफ़ी गंदा बिहेव करते हैं। इसके बाद ये लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। इतना होने के बावजूद जेनिफर हिम्मत जुटाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसके बाद ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। शरीफ जेनिफर के पास आता है और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। इसके बाद वो चारों लड़के भी ऐसा ही करते हैं। ये लोग ऐसा करते हुए हंस रहे थे जबकि एक आदमी इन सबका वीडियो बना रहा था। अब जेनिफर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो धीरे धीरे इन लोगों से दूर भागने की कोशिश करती है। भागते हुए वो एक ब्रिज पर पहुंच जाती है। ये लोग जेनिफर को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन जेनिफर यहाँ से पानी में छलांग लगा देती है। ये लोग ऐसा सोचते हैं जैसे जेनिफर मर चुकी है। इसके बाद वो जेनिफर के घर में जाकर सारे सबूत मिटाते हैं और वो जेनिफर के सारे सामान को जला देते हैं ताकि किसी को भी पता ना चले कि जेनिफर यहाँ आई थी। ये लोग काफ़ी देर यहाँ रहते हैं और ये लोग जेनिफर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोगों को ना तो जेनिफर मिलती है और ना ही उसकी लाश मिलती है। इसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि जेनिफर की मौत अब हो चुकी है। इसके बाद ये लोग रिलैक्स फील करते हैं। इसके बाद सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। शरीफ अपने घर पहुँचता है जहाँ हम उसकी बीवी को देखते हैं। वहाँ पर शरीफ की बेटी भी होती है। शरीफ अपनी पत्नी और बेटी से बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन वो भूल गया था कि अभी अभी वो क्या करके आ रहा है। ये लोग काफ़ी दिनों तक जेनिफर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोगों को जेनिफर के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं मिलती है और ना ही इन लोगों को जेनिफर की बॉडी मिलती है। एक दिन प्लम्बर इन लोगों के पास जाता है
और वो इन लोगों से कहता है उसने जेनिफर का भूत देखा है। तभी इन लोगों का एक दोस्त इनके पास आता है और वो कहता है जो रिकॉर्डिंग इन लोगों ने की थी वो किसी ने चुरा ली है। ये बात सुनकर सारे लोग डर जाते हैं और उस आदमी से सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं। यहीं से इन लोगों का बुरा वक्त शुरू हो जाता है और अब इन लोगों के साथ जो भी होने वाला था वो बहुत ही बुरा था। इन लोगों में से एक आदमी रात में जब ये अपने घर में आराम कर रहा होता है तभी कोई मरा हुआ एक पक्षी इसके दरवाजे पर फेंकता है, जैसा कि इन लोगों ने जेनिफर के घर में किया था। उस आदमी को जेनिफर का चप्पल भी दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग शरीफ को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है। उसे वहां पर एक टेप मिलती है जिसके ऊपर स्टैनली का नाम लिखा होता है और ये वही लड़का था जो कि रिकॉर्डिंग कर रहा था। शरीफ को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है जैसे स्टैनली ने ही इस रिकॉर्डिंग को उसके घर में भेजा है ताकि शरीफ की करतूत शरीफ की बेटी और उसकी पत्नी जान जाए। तब वो बहुत गुस्सा होकर स्टैनली के पास जाता है और वो उस टेप को स्टैनली के मुंह में घुसा देता है। स्टैनली शरीफ से कहता है ये सब मेरा काम नहीं है और मैंने ऐसा नहीं किया है। यहीं पे एक दूसरा लड़का इन लोगों को समझाता है हम लोगों का एक दोस्त प्लम्बर गायब है और वो काफी लंबे समय से हमें नहीं मिला है और शायद उसी ने ऐसा किया होगा क्योंकि उसे अपने किए पर पछतावा होता होगा। उसने हमें एक दिन बताया था जेनिफर ने उससे बहुत अच्छे से बात की थी और उसी के कहने पर हम लोग जेनिफर के घर में गए थे, इसलिए हमें प्लम्बर को ढूंढना चाहिए और उसे ढूंढकर मार देना चाहिए। शरीफ यहाँ उसकी बात मान जाता है और ये सारे लोग प्लम्बर को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम लोग शरीफ को देखते हैं जो कि उस बूढ़े आदमी को मार देता है जिसे जेनिफर ने इस घर को रेंट में लिया था। शरीफ इस आदमी को इसलिए मारता है ताकि वो किसी को ये ना बताए कि जेनिफर यहाँ आई थी और वो अब मिसिंग है। इसके बाद हम लोग उस प्लम्बर को देखते हैं जो कि अभी बेहोश है। जब उसे होश में आता है तब वो देखता है जेनिफर उसके सामने बैठी हुई है। जेनिफर उस प्लम्बर के गले में रस्सी डालती है और उसे बेहोश कर देती है। वहीं हम स्टैनली के एक दोस्त को देखते हैं जिसे कुछ आवाज़ें आती हैं और वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए जाने लगता है। स्टैनली भी उस आवाज़ को सुनते हुए वहां जा रहा था। ये लोग चलते हुए उस टूटे घर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद स्टैनली और उसका साथी घर के अंदर जाते हैं। स्टैनली का दोस्त घर के आगे से अंदर जाता है जबकि स्टैनली घर के पीछे से अंदर जा रहा होता है ताकि अगर जेनिफर घर के अंदर हुई तो ये दोनों उसे पकड़ सके। स्टैनली घर के पीछे के रास्ते की तरफ जा रहा होता है लेकिन तभी जेनिफर उसके सामने आ जाती है। स्टैनली भी जेनिफर को देखता है। उसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है लेकिन जैसे ही वो अपना कदम आगे बढ़ाता है उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो दर्द के मारे जोर जोर चिल्लाने लगता है। वो चिल्लाकर अपने दोस्त को बुलाता है। उसकी आवाज़ को सुनकर उसका दोस्त जल्दी से वहां आ जाता है लेकिन जेनिफर पीछे से उसे मार देती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। जेनिफर अब तीन आदमियों को अपने कब्जे में ले चुकी थी। जेनिफर ने स्टैनली के दोस्त को एक बाथ टब के ऊपर बांध लिया था और उस बाथ टब में पानी आ रहा होता है जबकि स्टैनली को जेनिफर ने जंगल में बांध दिया था। उसने पेड़ के साथ उसे जोर से बांध दिया था और जेनिफर उसकी रिकॉर्डिंग उसी तरह कर रही थी जैसा कि उसने जेनिफर के साथ किया था। इसके बाद जेनिफर उसके मुंह के अंदर मरा हुआ चूहा डाल देती है। इसके बाद वो मछली पकड़ने का कांटा लाती है और उसके आंखों में डालकर पीछे के पेड़ से बांध देती है ताकि उसकी आंख हमेशा खुली रहे। इसके बाद वो मछलियों के कुछ टुकड़े करती है और वो मछलियों के टुकड़ों को स्टैनली के चेहरे पर लगा देती है ताकि चील और कौवा इसके महक से यहाँ आ जाए। इसके बाद हम लोग फिर से स्टैनली के उसी दोस्त को देखते हैं जिसे जेनिफर ने टब के ऊपर बांध दिया था। वो आदमी जेनिफर से बहुत माफ़ी मांगता है। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो लेकिन जेनिफर अपना बदला लेना चाहती थी। वो उसे उसी बाथ टब में डुबाती है और उस बाथ टब में वो एसिड डाल देती है। बाथ टब के ऊपर दो लकड़ियों के सहारे वो लड़का लेटा हुआ था लेकिन जेनिफर उसमें से एक लकड़ी हटा देती है और अब वो लड़का बाथ टब में गिरने लगता है और वो बाथ टब एसिड से भरी हुई है। वो लड़का पानी में गिर जाता है। वहाँ गिरने के साथ ही उसका चेहरा जल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग स्टैनली को देखते हैं जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। चील और कौवा यहाँ आकर उसके चेहरे को नोचते हैं। चील उसके आंखों को नोचकर खा गए थे। उसे बहुत दर्द होता है और वो इस दर्द से यहाँ मर जाता है। इसके बाद हम लोग स्टैनली के दोस्त को देखते हैं जो कि एसिड में गिरा था। जेनिफर जब उसे बाहर निकालती है तब उसका चेहरा बिल्कुल सड़ चुका था। इसके बाद जेनिफर अच्छे से तैयार होती है और वो उस गैस स्टेशन पर चली जाती है जहाँ पहली बार वो तीनों लड़के उससे मिले थे। जेनिफर जब वहाँ पहुँचती है तब जॉनी उसे देखता है। जॉनी उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन जेनिफर अचानक एक लोहे के रड से उस पर वार करती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। उसे लाकर एक जगह पर बांध देती है। ये वही जगह होती है जहाँ इन लोगों ने जेनिफर के साथ गलत किया था। जेनिफर उसके साथ वैसा ही करती है जैसा जॉनी ने उसके साथ किया था। जेनिफर एक एक करके जॉनी के सारे दांत उखाड़ देती है और वो एक बड़े से कैंची लेकर उसके पार्ट्स को काट देती है और वो उसके पार्ट्स को काटने के बाद उसे उठाकर उसके मुंह में डाल देती है। वो दर्द से वहीं पर मर जाता है। इसके बाद अब सिर्फ दो लोग बचे थे। एक था वो प्लम्बर और दूसरा था शरीफ।
प्लम्बर को उसने पहले से ही पकड़ कर रखा था। इसके बाद वो शरीफ के घर में जाती है और वो उसकी बेटी को किडनैप कर लेती है। शरीफ जब ये बात जानता है तब वो जल्दी से अपनी गाड़ी पर बैठता है। तब जेनिफर पीछे उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। जब शरीफ को होश आता है तब वो देखता है वो एक टेबल के ऊपर बंधा हुआ है और वो प्लम्बर भी एक कुर्सी में बैठा हुआ है जो कि अभी बेहोश है। जेनिफर एक गन को प्लम्बर के हाथों में इस तरह बांधती है कि जैसे ही प्लम्बर अपने हाथ को हिलाता वो गन फायर हो जाती। वो प्लम्बर भी गन के सीधे में बैठा था। सारे सेटअप को कंप्लीट करने के बाद जेनिफर बाहर आकर बैठ जाती है और वो प्लम्बर के होश में आने का वेट करती है। प्लम्बर को जैसे ही होश आता है वो अपने हाथ को हिलाता है, तभी गन फायर हो जाती है जो कि शरीफ के पीछे से होते हुए आगे से निकल जाती है और सीधा जाकर प्लम्बर को लगती है और यहीं पर प्लम्बर और शरीफ की मौत हो जाती है। बाहर जेनिफर जैसे ही गोली की आवाज़ सुनती है वह बहुत खुश होती है क्योंकि उसने उन सारे लोगों को मार दिया था जिन्होंने भी उसके साथ गलत किया था। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।